अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स दिस आवर फोर्थ लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेटल्स मेटल्स एंड नॉन रिएक्ट तो आज की सेशन में हम देखेंगे कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और उन दो के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनता है सो दिस इज शकील अहमद वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल बैच उकाब वन जहां से आपको सारे सब्जेक्ट्स के डिजिटल वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक केमिकल बॉन्ड के साथ व्हाट इज केमिकल केमिकल बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इज केमिकल बॉन्ड सो मिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इट इज डेवलपड बिट्वीन टू एटम्स जो दो एटम्स के बीच में डेवलप होता है दैट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज कॉल्ड इज केमिकल बॉन्ड तो अब यहां पर यह देखना है कि दो एटम्स के बीच में यह फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किस वजह से डेवलप होता है क्यों डेवलप होता है क्यों पायदा होता है इसके लिए हमने जाना पड़ेगा हमारे पीरियडिक टेबल में तो पीरियडिक टेबल के अंदर आपको पता है आर वर्टिकल कॉलम्स इनके अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है ये हमारा पहला ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है ऐसे यहां पे ग्रुप नंबर थ्री टू तो ग्रुप नंबर ट्वेल्व दीज आर डिफरेंट ग्रुप हमने इस ग्रुप को देखना है ये वाला ग्रुप आप देख लीजिए जो लास्ट ग्रुप है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस इनको हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं या हम इनको इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं दे दे आर आर आल्सो आल्सो कॉल्ड कॉल्ड एज एज इनर्ट एलिमेंट्स और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हमारा टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड असल में हमने देखना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है वो किस टाइप का होता है तो हमारे पास दो तरह के केमिकल uh, बॉन्ड होते हैं एक होता है आयनिक बॉन्ड दूसरा होता है कोवलंट बॉन्ड तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है और इसका रीजन ये केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में क्यों बनता है वही मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये रॉड नहीं होती है दो एटम्स के बीच में बट इट इज सिंपल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में कैसे डेवलप होता है उसके लिए हमने मॉडर्न पीरियड टेबल के एटींथ ग्रुप में जाना पड़ेगा इन सारे ग्रुप्स के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स है दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स ये वो वाहिद एलिमेंट है विच आर स्टेबल दे आर कंसिडर्ड एज स्टेबल दे आर कंसिडर्ड एज स्टेबल एलिमेंट्स इनको हम स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं क्यों इनको स्टेबल एलिमेंट्स कहा जाता है इनके अंदर ऐसा क्या होता है जो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है वही हमने यहां पे डिस्कस करना है वेरी गुड आप यहां पे गौर से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर जो एटीन ग्रुप जिसको हम नोबल गेसिस इनर्ट एलिमेंट या जीरो ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज स्टेबल एलिमेंट्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर अनस्टेबल अब इनको कौन सी चीज अनस्टेबल बनाती है इनको कौन सी चीज स्टेबल बनाती है चलिए इनको मैं बताता हूं इनका मैं बताता हूं ये जो नोबल गैस होते हैं दे आर स्टेबल स्टेबल इनको stable, इनकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन बनाती है अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा क्या होता है चलिए देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन में ऐसा क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हमने इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर टू होता है इसका एटॉमिक नंबर नियन का टेन होता है अर्गान का एटीन होता है क्रिप्टन का 36 होता है जीनन का 54 होता है और रेडन का 86 होता है दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज नोबल गेसिस इनर्ट एलिमेंट्स अब एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो कौन कौन से शल में हमारे पास यहाँ पे के एल एम एन ओ एंड पी यहाँ पे मैंने सिक्स डिफरेंट शेल्स लिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स केशल एलशल एनशल एंड ओ ओ एंड पी शल अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दो ही इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे वो के शेल में जाएंगे इसके अंदर दस इलेक्ट्रॉन्स है हम जानते हैं के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं अब जो बचे आठ इलेक्ट्रॉन्स वो जाएंगे एल शेल में ऐसे यहां पर दो के शेल में जाएंगे आठ एलशल में जाएंगे और आठ वो जाएंगे किस में वो एमशल में जाएंगे यहां पे दो इसमें जाएंगे आठ इसमें जाएंगे एटीन इसमें जाएंगे एट इसमें जाएंगे यहां पे दो इसमें जाएंगे आठ इसमें जाएंगे एटीन इसमें जाएंगे एटीन इसमें जाएंगे फिर आठ इसमें जाएंगे इसके बाद दो इसमें जाएंगे आठ इसमें जाएंगे एटीन इसमें जाएंगे थर्टी टू इसमें जाएंगे

ये 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे तीन शेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं के शेल एल शेल एम शेल किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अकोमोडेट होते हैं दैट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स द शेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक कंफुग्रेशन is is तो इन ये, ये इन इलेक्ट्रॉन का यहां पे अरेंजमेंट है अब सारे एटम्स के अंदर आप देखो सारे एटम्स के अंदर आप देखो कॉमन क्या चीज आपको नजर आ रही है ये छोड़ो आप एक्सेप्ट दिस वन हीलियम को छोड़ के अब सारे इन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो वाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में तो यहां पे एल शेल आउटर मोस्ट शेल आप देखिए इसके लास्ट शेल में कितने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आप इसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए तो यहां, पे है, यहां पे को देखिए यहां पे को देखिए हम यहां पे फोकस पे करते हैं, यह वो इलेक्ट्रॉन्स होते, होते हैं जो हिस्सा लेते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है ना वो बॉन्ड इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनता है कभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं कभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं कभी ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन का चक्कर है वो किन के हाथ में वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हाथ में तो आप बताइए इन सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स के अंदर कॉमन क्या चीज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस शैल में प्रेजेंट है

उन एटम्स को हम स्टेबल बोलते हैं जिन एटम्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाँ वहां पे आठ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए तो इस वजह से ये जो हमारे नोबल गैस होते हैं दे दे आर आर स्टेबल तो केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में एक और बात ये जो इन एटम्स के लास्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दिस रूल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल इस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं एक्सेप्ट दिस वन के अंदर एक ही शल इन्वॉल्व हो रही है इसमें दो ही एंटर हो रहे हैं दो ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं और ये स्टेबल होता है दिस रूल इज इस कार्डेज इसको हम डुप्लेट रूल बोलते हैं दिस रूल इज कॉल्ड इज डुप्लेट रूल तो याद रखना कोई एटम अगर वो कौन सा रूल फॉलो करता है कौन सा रूल ओबे करता है ऑप्टेट रूल ओबे करता है यानी उसके एटम के लास्ट शेल के अंदर अगर आठ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल होंगे तो वो एटम क्या माना जाएगा वो स्टेबल माना जाएगा अब ये सारे स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यशन में क्या है शेल वो कंप्लीटली फिल है अब बताइए अगर इनकी शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल है क्या ये किसी एटम के साथ कंबाइन होंगे वही एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है जिसको असल में सिटेबिलिटी हासिल करनी होती है ये सारे एटम्स क्या चाहते हैं ये सारे एटम्स चाहते हैं कि हमारी बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनके जैसी हो जाए इन नोबल गैसेस जैसी हो जाए जो कि इनके लास्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी वही चाहते हैं कि हमारे लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो ये चाहते हैं कि हमारे लास्ट शेल के अंदर भी आठ इलेक्ट्रॉन्स वो आ जाए तो इस वजह से क्या ये बाकी जो एटम्स ये एक दूसरे के साथ कंबाइन तो कंबाइन क्यों करते हैं केमिकल बॉन्ड मैंने बताया फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स ये फोर्स ऑफ क्यों दो एटम्स के बीच में डेवलप होता है और कौन से दो एटम्स के बीच में बनता है। वही दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है जो दो एटम्स क्या होते हैं वो वो क्यों होते हैं उनका मकसद क्या होता है असल में उनका यह मकसद होता है कि उनको स्टेबिलिटी हासिल होती है वो भी चाहते हैं कि हमारे लास्ट के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन्स वो आ जाए और हम भी किन के स्टेबल हो जाए, नोबल गैस के स्टेबल हो जाए तो इस चक्कर के इस के बीच में वो क्या करते हैं या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसी इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन लेने से

बॉन्ड और नंबर सेकंड दूसरे बॉन्ड को हम बॉन्ड कहते हैं व्हाट व्हाट इज इज बॉन्ड 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 एंड क्या होता है और कोवलंट बॉन्ड क्या होता है तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोनों आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपको बताएंगे आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सारा आज के सेशन में डिस्कस होने जा रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा

उन दो एटम्स के बीच में जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस वक्त जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप होता है उनमें पायदा होता है या जो उस वक्त उनके बीच में बॉन्ड बनता है द बॉन्ड इज कॉल्ड इज आयनिक बॉन्ड और इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड वट इज कोवलट बॉन्ड कोवलट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है जब दो एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं चलिए इस इन, इनको हम एक एक करके आपको यहां पर पढ़ाएंगे जो पहला टाइप आता है वॉट इज दैट वो है आयोनिक बॉन्ड तो आयोनिक बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे इट द केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिट्वीन टू एटम्स बाय द ट्रांसफर ऑफ बाय द ट्रांसफर ऑफ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो केमिकल बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है कैसे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसका मतलब इन दो एटम्स में से एक एक्ट कर रहा होगा एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम उस एटम को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम यहां पे एक्ट कर रहा होगा इज इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उस एटम को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है चलिए यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमने देखना है कौन सा बॉन्ड बनेगा

शबाश दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर चलिए पहले देखते हैं कि जो हमारा सोडियम एटम है इज इट सिटेबल पहले देखना है ना कि ये दो क्यों रिएक्ट करेंगे रीजन क्या होगा ये क्यों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ इसका भी कोई रीजन होना चाहिए ना वो रीजन आपको बताएंगे यहां पे इसका एटमिक नंबर इलेवन

किसी कभी दूसरे डॉक्टर के पास जब उसको फर्क नहीं होती है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है वो हॉस्पिटल चला जाता है मकसद क्या होता है वो असल में चाहता है कि मुझ में स्टेबिलिटी आ जाए बराबर यहां पे भी ऐसा ही होता है जो हमारे एटम्स होते हैं एटम्स की जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमें समझ आ रहा है जो सोडियम एटम है इट इज अनस्टेबल व्हेन इट इज अनस्टेबल तो ये कहा चाहेगा कि मैं अनस्टेबल रहूं तो स्टेबिलिटी हासिल करनी है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये क्या करता है ये अपने जैसा कोई एटम ढूंढता है यानी ये कहता है कि मैं, मुझे वैसा एटम चाहिए मैं अपने इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा हूं तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो ये पे पे इस एटम को आ, यहां पे ये ढूंढता है जिसको हम क्लोरीन बोलते हैं अब क्लोरीन भी ये भी अनस्टेबल होना चाहिए तभी ये एक्सेप्ट करेगा चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाते हैं ये इसका एटॉमिक नंबर है 17 इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टू कामा ट कामा सेवन बताइए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी हाँ यहां इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल रहा है कि इट इज अनस्टेबल अब ये भी अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल तो ये क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ये ये इसको इसको बता रहा रहा है है, कि चलिए मैं आपको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूंगा। जब ये एक इसको दे रहा है, तो पे कॉन्फिगरेशन आएगी ये, ये किस नोबल के जैसा स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉनिक वहां से हम बता रहे नियन क्या है है स्टेबल तो स्टेबल किस वजह से नियान बन रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नियन के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है टू कामा एट अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया मेटल का नेचर दे आर नेचर तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया ये क्या बन गया इट बिकम स्टेबल मगर जब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है मतलब ये प्लस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया अब यहां पे आप देख लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू का मा एट काम सेवन अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जब इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है टू का मा एट का एट तो ये भी स्टेबल बनता है किस नोबल गे जैसा अर्गान नोबल गे जैसा शाबाश तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस अब ये दो एटम्स एक सोडियम एक आपका क्लोरीन अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ बताइए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप हुआ शाबाश जब ट्रांसफर हुआ किसका इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम यहां पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में इन दिस कंपाउंड यू सी द कंपाउंड हियर व्हिच कंपाउंड इज दिस सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक होता है सोडियम दूसरा होता है क्लोरीन तो इन दो के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहां से आया वो okay, क्या खुद पायदा यहां पे हुआ खुद पायदा नहीं हुआ असल में यहां पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं एक एक के के ऊपर ऊपर चार्ज 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 आएगा आएगा प्लस दूसरे दूसरे माइनस तो इसी चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को बंद रखते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पायदा होता है रॉड नहीं होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में होता है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं बेटा बात समझ में आई क्लियर हुआ शाबाश चलिए इसके बाद इसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं या सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक को हम कैटाइन बोलते हैं और दूसरे को हम एनाइन बोलते हैं देखिए आयनिक बॉन्ड सबसे पहले आपने याद रखना है किन के बीच में बनता है इट इज फॉर्मड इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये याद रखना दिस वेरी इंपॉर्टेंट आयनिक बॉन्ड कौन से दो मेटल्स के बीच में बनता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है क्यों यहां पे ट्रांसफर होता है एक देता है जो हमारे देने वाले एटम्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड दीज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर शाबाश द मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स दे आर नेचर ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इनसे लॉस होता है और वही इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करते हैं ये पहली बात आपने याद रखना है कि आय कौन से दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट नॉन मेटल्स और मेटल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड अभी आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैंने बताया कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल सो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं

आर काल्ड इज आर काल्ड इज दे आर देस उनको हम आय बोलते हैं तो ये भी कह सकते हैं जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें बनते हैं अभी आइनस क्या है ये क्या चक्कर ये क्या है? क्या, क्या है जब एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस एटम के ऊपर चार्ज चढ़ता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उस एटम के ऊपर चार्ज चढ़ता है तो उसी चार्ज एटम को हम आयन बोलते हैं आपने यहां पर अभी देखा सोडियम प्लस क्लोरीन जब रिएक्ट होता है यहां पे बनता है एन ए सी एल मगर इस एटम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव इस एटम की में क्या बनते हैं आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं और ये आयंस क्या होते हैं दीज आयंस आर नथिंग बट सिंपली दे आर चार्ज्ड एटम्स दे आर कॉल्ड एज आयंस अब दो तरह के चार्जेस आप यहां पे देख रहे हो इसके ऊपर प्लस चार्ज तो इसके ऊपर माइनस चार्ज ऑन दैट बेसिस जो हमारे आयंस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स इनके कितने टाइप से शाबाश किस बेस पे कि एक, एक एटम के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है क्या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन दैट बेसिस जो हमारे आयन्स होते हैं आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स वन इज कॉल्ड इज कैटायन और दूसरे टाइप को हम एनायन बोलते हैं स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ रही है क्लियर हो रहा है सिंपल है इतना मुश्किल नहीं है कि ये किसकी इलेक्ट्रॉन तो वो देना चाहिए दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम तक यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अब जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देते नेचर वो हमारे मेटल्स होते हैं

ये भी चार्जेड एटम होता है लेकिन कौन सा चार्ज इसके ऊपर होता है यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज एटम शबाश एटम इज कॉल्ड और ये क्या होगा फिर दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज एटम नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड इज वाट इसको हम एनाइन बोलते हैं अब जो हमारे यहां पे मेटल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं वाट दे फॉर्म दे फॉर्म क्या क्यों चार्ज कब आ जाता है का मतलब ये देते हैं। जब देते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ता है एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ता है पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है और उसी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलते हैं उसको हम कैटायन बोलते हैं शाबाश जब ये नॉन मेटल्स एज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इनके एटम्स को इनके एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा इनके एटम्स के ऊपर माइनस चार्ज चढ़ेगा उसी नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलते हैं आयन एनायन बोलते हैं सो so, आयनिक बॉन्ड के अंदर आयन बनते हैं वो आय दो तरह के होते हैं कैटाइन एंड एनायन अब कैटाइन में भी टाइप से कभी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है कभी एक, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स देता है कभी एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स देता है अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा <coughs> अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर दो पॉजिटिव आएंगे कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन तो उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्जेस आएंगे ऑन दैट बेसिस जो हमारे होते हैं दे आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स मोनोवैलेंट कैटाइन एंड सिमिलरली वो एटम्स जो कभी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो टू माइनस चार्ज आ जाता है तो तीन माइनस चार्ज तो आ जाते हैं तो ऑन दैट बेसिस जो हमारे एनआईन भी ये भी कितने टाइप्स के होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स मोनोवेलेंट एनाइन डाइवेट एनाइन एंड्राइवेलेंट एनाइन चलिए आपको यहां पर दिखाते हैं

अगर एक एटम आपके पास था एटम ए इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इसके ऊपर दो चार्ज जाएंगे क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए अब अगर आपके पास एक एटम था इसने तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसके ऊपर तीन थ्री प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां पे इसने तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं दीज आर एज दीज पॉजिटिव आर कैटाइन एज कैटाइन अब किसी कैटाइन के ऊपर एक चार्ज किसी कैटाइन के ऊपर दो चार्ज किसी कैटाइन के ऊपर तीन चार्ज ऑन डेट बेसिस हमारे पास तीन तरह के कैटाइन होते हैं नंबर वन टाइप इसको हम मोनो वायलेंट कैटाइन बोलते हैं टाइन ये जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब जो एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम को देखिए आप सोडियम का एटम एक नंबर इलेवन इलेक्ट्रॉनिकेशन टू का मा एट का मा वन इज इट स्टेबल नो इट इज अनस्टेबल वट इट विल डू इट विल लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितने रहेंगे लास्ट सेल में आठ रहेंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रहा है ये जो एटम यहां पे बना चार्ज एटम बना इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया दैट इज कॉल्ड इज मोनोवेलेंट कैटाइन लिथियम भी बना रहा है कौन सा मोनोवेलेंट कैटाइन जो आपका पोटेशियम है वो भी क्या बना रहा है वो भी मोनोवेलेंट कैटाइन बना रहा है चले इसके बाद नंबर सेकेंड डायवेलेंट कैटाइन वॉट डू यू मीन बाई डायवैलेंट कैटाइन डायवेलेंट कैटाइन का मतलब अगर एक एटम क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबल बनने के लिए मैग्नीशियम को देखिए आप एटॉमिक नंबर एटामिक्वेल्व शाबाश इट इसमा एट कामा टू तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन लास्ट करेंगे क्योंकि इस जैसी नोबल, इस जैसी जैसी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नोबल गैस की नहीं है तब ये क्या करेगा ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा लास्ट सेल में क्या रहेंगे दो और उससे जो आगे आगे वाली शैल है उसमें लास्ट सेल में आठ रहेंगे

सिमिलरली ट्राई वैलेंट कैटाइंस क्या होते हैं ट्राई वैलेंट कैटाइंस हमारे पास कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो स्टेबल बनने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं अल्मोनियम को आप देखो अल्मोनियम अल्मोनियम का एटम एक नंबर थर्टीन

Three, uh, charges, हम, एटम थ्री पॉजिटिव चार्जेस इस देखते हैं व्हाट आर एनाइंस भी मैंने आपको बताया एनाइन क्या होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं एनाइंस और ये नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स कैसे बनते हैं? जब एक एटम क्या करते हैं एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वेरी गुड जब एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है तो उस वक्त जो आयंस बनते दे आर कॉल्ड एज व्हाट उनको हम एनायंस बोलते हैं अब कभी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है कभी एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है कभी एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ऑन दैट बेसिस जो हमारे एनायंस होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स वन पहला टाइप इसमें आता है मोनो वैलेंट आयन मोनो वैलेंट एनाइन वॉट इज मोनो वैलेंट एनाइन ये मोनो एनाइन क्या होता है शाबाश बताइए डियर स्टूडेंट्स मोनोवेलेंट एनाइन क्या होता है मोनोवेलेंट एनाइन का मतलब जब एक एटम क्या करेगा अगर आपके पास एक एटम है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा आपके पास एक एटम है ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए तो ये इसके ऊपर दो चार्ज आएंगे एक, एलक, एक एक एटम आपके पास है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है स्टेबल बनने के लिए इसके ऊपर तीन नेगेटिव चार्ज आएंगे ऑन दैट बेसिस आप देखिए यहां पर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्लोरिन सिंपल सी एग्जाम्पल क्लोरिन का एटमिक नंबर सेवनटीन

डाय एनाइन इसमें हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेंगे इसका एटॉमिक नंबर एट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन टू कामा सिक्स इज इट स्टेबल नो इट अनस्टेबल, तो लास्ट चल में है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आएंगे तो ये ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है दिस ऑक्साइड एनाइन इज कॉल्ड इज या दिस ऑक्साइड आयन इज डायलेंट एनाइन इसी को हम डायवेल्ट एनाइन कहते हैं शबाश इसके बाद इसके बाद ट्राइवेलेंट एनाइन नंबर थर्ड ट्राई वैलेंट एनाइन

गेन करेगा जब ये तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा इसके ऊपर आएगा n3- तो ये तीन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैलेंसी ट्राईवैलेंट और कैसा चार्ज है प्लस माइनस तो माइनस तो इट इज एनायन सो तो ये थे टाइप्स ऑफ जो हम बोल रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या एनायंस अब आयनिक आयनिक बॉन्ड में आपने देखा क्या होता है आयंस बनते कैटायंस बनते हैं और एनायंस बनते हैं। कभी

जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो यहां पे सबसे पहला कंपाउंड वो हम एन ए सी एल का देखेंगे NACL कौन सा है और किस का बनता है? दो एटम्स है एक है आपके पास एन ए और एक है आपके पास सी एल गोर से सुनिएगा जो आपका सोडियम है इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और जो आपका सी एल है इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव मैंने अभी आपको बताया यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे वो टू कामा एट कामा वन कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे वो क्या है 2, 8, 7. यहां लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लास्ट चल में सात इलेक्ट्रॉन ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो यहां पे हमने देखना है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा तो इन एटम्स के ऊपर हम खाली कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे वी विल शो ओनली दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीएन लेविस एक साइंटिस्ट था जीएन लेविस हम उसको बोलते हैं तो उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यहां पे रिप्रेजेंट किया विद हेल्प ऑफ द डॉट्स तो ऐसे स्ट्रक्चर उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं तो यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने वो हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे डॉट से ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या हम इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं इनको हम डॉट से ऐसे दिखाएंगे खाली इलेक्ट्रॉन्स को पे पे दिखाना है। अब पे क्या होगा ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा शाबाश। वन इलेक्ट्रॉन इट विल इट विल ट्रांसफर फ्रॉम द सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज आएगा प्लस ले कौन रहा है शबाश क्लोरीन तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस तो इनके बीच में यहां पे एक कैटाइन बना और एनाइन बना कैटाइन और एनाइन का मतलब ये कौन सा बॉन्ड बॉन्ड है ये आयनिक है और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इज आयनिक कंपाउंड ये हो गई हमारी पहली एग्जाम्पल शाबाश इसके बाद नंबर सेकंड दूसरी एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे पोटेशियम एंड क्लोरीन पोटाशियम और क्लोरीन के बीच में हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड बनता है चलिए पोटाशियम यहां पे लिखेंगे यहां पे Cl लिखेंगे ये दो दिस इज मेटल दिस इज नॉन मेटल इसका एटॉमिक नंबर 19 इसका एटॉमिक नंबर 17 अभी देखा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 1 सॉरी 2, 8, 8, 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 7 यहाँ पे लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे दिखाएंगे इसके लास्ट सेल में सात इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे दिखाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब ये भी अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल तो ये एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा यहाँ पे बनेगा Na ए सॉरी के यहाँ पे बनेगा K प्लस अब K प्लस में आप बताइए नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी टू कामा एट, कामा एट। अभी इससे पहले क्या था इसमें क्या था टू कामा एट कामा एट कामा वन ये एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी टू कामा एट कामा एट दिस इज के के और यहां पे सी एल के ऊपर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि एक यहां से कर रहा है। इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक आएगी कामा एट कामा एट। तो यहां पे जो बॉन्ड दूसरा मतलब कौन सा है? है। और इस को हम क्या कहेंगे दिस कंपाउंड आयनिक कंपाउंड इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं चलिए इसके बाद वन मोर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल <laughs> एक और एग्जाम्पल हम यहां पे इसकी लेंगे लिथियम एंड फ्लोरीन तो लिथियम और फ्लोरीन के बीच में हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहां पे लिथियम प्लस फ्लोरीन लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है शबाश इट इज टू कामा वन फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर वो है नाइन इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टू कामा सेवन यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा शाबाश इसमें कितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वन तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बताइए लिथियम की कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और इसके ऊपर चार्ज क्या इसके ऊपर आएगा चार्ज प्लस ये बनेगा कैटाइन और इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी टू और ये जो लिथियम Uh, क्या टाइम यह स्टेबल बन रहा है किसके जैसा इट बिकम स्टेबल लाइक ऑफ फिर यहां पे आपका जो फ्लोरीन है लाइकोन फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा तो यहां पे इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी टू कामा एट तो ये किसके जैसा स्टेबल हुआ किसके जैसा स्टेबल बना ये नियन के जैसा स्टेबल बना तो यहां पे जो एक कंपाउंड बना दिस इज कॉल्ड लिथियम फ्लोराइड सो लिथियम फ्लोराइड इज वाट लिथियम फ्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड क्योंकि इसके अंदर क्या बने इसके अंदर कैटाइन बना इसके अंदर एनाइन बना जिनके अंदर एनाइन बनते हैं ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड चले मैग्नीशियम क्लोराइड को आपको बताते हैं मैग्नीशियम और क्लोरिन इन दो के बीच में शाबाश Uh, कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहां पे हम मैग्नीशियम ये रिएक्ट होता है क्लोरीन यहां पे Cl और यहां पे Cl क्लोरीन के दो एटम्स के साथ मैग्नीशियम का एक एटम रिएक्ट होता है इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आप जानते हो शाबाश इसका जो एटॉमिक नंबर वो है 17 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे इट इज 2, एट कामा सेवन वेरी गुड यहाँ पे टू कामा एट कामा सेवन इसकी इलेक्ट्रॉनिकेशन तो आएगी एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाने तो ये दो इलेक्ट्रॉन है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके मैग्नीशियम के अब क्लोरीन के में सात इलेक्ट्रॉन है तो इन सात इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पे दिखाएंगे ये वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिमिलरली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है तो ये क्या करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है ट्रांसफर करता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में ट्रांसफर होता है बताइए यहां पे मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए दो इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बनाएगा डायवेल क्या टाइम एम जी टू प्लस यहां पर सीएल दो थे सीएल दो थे तो यहां पे ऐसे लिखेंगे सीएल दो थे सीएल दो ने इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अगर हम इसको ऐसे दिखाएं इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे हम इसको दिखाएंगे ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है ये दो थे तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा वो हम ऐसे दिखाते हैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी सी एल टू तो एम जी सी एल टू विच इज कॉल्ड इज मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी कौन सा कंपाउंड होगा इट विल बी एन आयन कंपाउंड क्योंकि यहां पे भी क्या टाइन और एनाइन बना यहां पे क्या टाइन और एनाइन बना बेटा बात समझ में आई क्लियर हो रहा है शाबाश इसके बाद चलिए इसके बाद ये हो गए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स आप डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हो आप कैल्शियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत सारे एग्जांपल्स आप ये देख सकते हो चलिए आप इसमें हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे इनकी फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर कैसा होता है ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं शाबाश द्रिस्टलिन क्रिस्टलिन सॉलिड्स सॉलिड्स शाबाश ऐसे सबस्टेंसेस के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है शाबाश ऐसे आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटाइन और प्रेजेंट होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो वहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं उस को हम क्रिस्टल, बोलते हैं। क्रिस्टल लेटिस ये आप क्लास इलेवंथ में पढ़ोगे फिलहाल आप याद रखिएगा जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कैटाइन और एनाइंस वो कैसे अरेंज होते हैं वो रेगुलर उनका अरेंजमेंट होता है उस कंपाउंड के अंदर थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो फिजिकल नेचर मोस्टली दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड्स ये क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर शबाश इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि ये जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में बनता है बाय दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है जितना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में होगा उतनी आपको उनको एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है आप एनएसीएल को देख लीजिए एनएसीएल का जो मेल्टिंग पॉइंट वो एट टू जीरो डिग्री सेल्सियस तो इसे आप अंदाजा कर सकते हो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं

आर सॉलिबुल इन वाटर शाहबाश दे आर सॉलिबुल इन वाटर ये कहां पर सॉलिबल होते हैं किस में डिजॉल्व होते हैं दे आर सॉलिबल इन वाटर बींग पोलर इन नेचर पोलर क्या हम यहां पर ऐसे लिखते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा जो हमारे आईनी कंपाउंड ये कैरोसिन के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं रोसिन के अंदर डिजालू नहीं होते हैं। ये बेंजीन के अंदर डिजालू नहीं होते हैं। ये ईथर के अंदर डिजालू नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर यह डिजालू नहीं होते सॉल्वेंट्स दीज आर नॉन नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट्स सॉल्वेंट्स याद रखना जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कौन से सॉल्वेंट्स में डिजालू होते हैं कौन से सॉल्वेंट्स में uh, इन सॉल्वेंट्स दे आर सॉल्युबल दे आर द पोलर सॉल्वेंट्स स्पेशली वाटर या एन थ्री अमोनिया इसके अंदर भी ये डिजॉल होते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाए क्या को करते हैं? No, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कम ये, नहीं करते हैं जो वो बंद होते हैं फ्री होने चाहिए लेकिन जब हम इनको मोल्ट करते हैं या इनका सोल्यूशन बनाते हैं या में, इनके जो आय वो फ्री हो जाते हैं दे आर फ्री टू मूव उसके बाद वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट इज इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन ये कंडक्ट करते हैं या सॉरी ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसमें इन मोल्टन और इन द एक्वस सोल्यूशन शाबाश इसके बाद यह हो गई इनकी प्रॉपर्टी इसके बाद What do you mean by covalent bond? यहां पर इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यह है कार्बन एंड इट इस कंपाउंड के चैप्टर के अंदर There are some atoms जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी अनस्टेबल रहते हैं हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे कार्बन कार्बन का एटामिक नंबर सिक्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फुग्रेशन इज टू काम ऑफ फोर सो इट इस वैलेंसी इज फोर देखिए इसके पास दो ऑप्शन है या तो इसको चार इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करने हैं, जब ये चार इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ये बनेगा C4 फोर प्लस क्या टाइम या तो इसको चार इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ये बनेगा C4 फोर माइनस एनाइन। ये तो दो दो ऑप्शन इसके पास है कार्बन की मैंने यहां पे एग्जांपल आपको बताई यहां पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है सिक्स इट एटॉमिक नंबर शबाश एटॉमिक नंबर का मतलब इसके अंदर छ इलेक्ट्रॉन्स और छ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में दो होंगे और एल शेल में चार होंगे लास्ट शेल में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आठ या दो होने चाहिए अब इसके लास्ट शेल में चार है दो ऑप्शन है इसके पास या तो इन चार को ये लॉस करेगा तो लास्ट शेल में कितने रहेंगे दो ये बनेगा हीलियम जैसा स्टेबल जब ये चार इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो ये ये बनाना चाहिएगा या तो इसके पास एक और ऑप्शन है अगर ये चार इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं कर रहा है तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर करेगा जब ये चार इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा सी फोर माइनस मगर रीजन क्या है, है कार्बन कंपाउंड जो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसी में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा यहां पे जो हमारा कार्बन होता है ना ये कैटाइन बनाता है ना ये एनाइन बनाता है रीजन क्या है इसका स्मॉल साइज इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स को कर कर पाए पाए या चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने इस इन के अंदर अकोमोडेट ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस तो एनर्जी की वजह से या स्मॉल साइज की वजह से ये सारा ये होता है कि ये ना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है अब ये फिर भी अनस्टेबल रहा स्टेबल तो बनना है ना अगर हमें किसी डॉक्टर से फर्क नहीं होती है फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं मतलब हम मत घर में बैठते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम ही रहे तो अनस्टेबिलिटी को दूर करना है अनस्टेबल अगर चीज के पास ये ऑप्शन नहीं है इसको फिर भी ये फिर भी अनस्टेबल है तो अनस्टेबल बनना है तो ये दूसरी ऑप्शन चूज करता है वो दूसरी ऑप्शन क्या है ये अपने इन चार इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है उस वक्त इसका जो ऑक्टेट वो कंप्लीट होता है उस वक्त जो बॉन्ड बनता है बॉन्ड 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 इज इज उस को हम क्या बोलते हैं दैट कोवलेंट ये हमारा टॉपिक है मैं पढ़ाऊंगा कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर के अंदर थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया मैं यहां पे आपको दे रहा हूं कि कोवलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में बनता है

कभी दो एटम दो सेम या दो डिफरेंट एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उस वक्त जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं उसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं शाबाश कभी दो डिफरेंट या सेम एटम्स के बीच में क्या होता है तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उस वक्त जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड इज ट्रिपल बॉन्ड उसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं याद रखना तो होगा हमारे तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है एलिमेंट्री आइडिया मैंने यहां पर आपको दिया क्योंकि डिटेल में ये कहां पर पढ़ना है हम पढ़ाएंगे आपको इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर के अंदर तो एलिमेंट्री आइडिया आप यहां पे रखिए याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स

सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर देन इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर देन इट इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में दो सेम और डिफरेंट एटम्स के बीच में उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी uh, भी है जैसे कि कोवैलेंसी हमने पार्टनी है हमने लोन के में बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड का बताया किस, किस के बीच में बनता है वो बनता है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल यहाँ पे जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये देने वाले होते हैं अब जब दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्या वो कोवलंट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलंट बॉन्ड बनाते हैं सो बिटवीन टू नॉन मेटल्स इसके बाद इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड वट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इनका नेचर दे आर यूजअली इन लिक्विड और स्टेट फ्यू आर सॉलिड ये ज्यादा कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड और गैशियस स्टेट क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और यहाँ पे जो ये एटम्स होते हैं थोड़े दूर होते हैं उस, uh, की से इनका जो नेचर या तो लिक्विड होता है या गैशियस होता है शबाशी इसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे दी आर मेल्टिंग पॉइंट जनरली मैं बता रहा हूं इनका मेल्टिंग पॉइंट या इनका जो बॉइलिंग पॉइंट

यहां पे आ, क्या बोलते हैं इसको यूरिया आता है ये डिजॉल्व होते हैं या हमारा एस आता है ये भी कोवलेंट कंपाउंड है ये भी पानी के अंदर डिजॉल्व होता है तो देर आर एक्सेप्शन मगर जनरली मैं अगर हम बताएं यहां पे जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये भी ये प्रॉपर्टीज हम वहीं पे डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा यहां पे मैं आपको बता रहा हूं Uh, इसको हम uh, वही पे uh, असल में डिटेल में पढ़ा, पढ़ाएंगे आपको सॉलिबिलिटी जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिबल इन वाटर व्हाट अबाउट दीज कोवलेंट कंपाउंड्स आर दी सॉलिबल इन वाटर आर दी इन सॉलिबल इन वाटर दे आर इन सॉलिबल इन वाटर बट देर आर एक्सेप्शन जैसे कि मैंने इसकी बताई इसके एग्जाम्पल बताई ए सी एल की एग्जाम्पल बताए अच्छा जो हमारे

ये बनता है वो भी आज के सेशन में हमने डिस्कस किया आई होप कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक और नया टॉपिक होगा मेटलर्जी टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज